नमस्कार, मैं हूं रितेश गौतम और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ डॉट इन। आज बात इतिहास के उस पन्ने की जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया, पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया, दिल्ली की इज्जत तक लूट ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान से आए उस सुल्तान की जिसने दिल्ली को लूटा, कत्लेआम मचाया, मुगल सत्ता को हिलाकर रख दिया और जाते जाते अपने साथ उस कोहिनूर हीरे को ले गया जो भारत की शान हुआ करता था। देखिए इस वीडियो में नादिर शाह की उस कहानी को जिसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और लूटपाट की एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने इतिहास को दागदार कर दिया। भारत के इतिहास में वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत में कई विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इस दौरान भारत पर हमला करने वालों की कतार बेहद लंबी रही। इनमें से एक था वो क्रूर शासक जिसने भारत की सूरत ही बदल दी। करीब 250 साल पहले घटित हुई इस घटना ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की हुकूमत कमजोर हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर तत्कालीन फारस और आज के ईरान से आए नादिर शाह या नादिर कुली बेग ने भारत में जो लूट मचाई, मोहम्मद रंगीला को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आइए बताते हैं आपको 1739 के वो 4 महीने का वक्त जिसकी दिल्ली ने कभी कल्पना नहीं की थी। 18वीं सदी के दौरान आज के ईरान में सफावी वंश के खत्म होने के बाद नादिर शाह ने अपनी सत्ता जमाई। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का शासन था, लेकिन सत्ता एक रंगीन, अय्याश और कमजोर शासक मोहम्मद शाह रंगीला के पास थी। एक तरफ नादिर शाह पूरी तैयारी कर भारत पर चढ़ाई करने के लिए निकल चुका था। बताया जाता है कि नादिर शाह कहा करता था कि सोने की चिड़िया के पंख मुझे भी चाहिए। इधर मुगलों की सत्ता पहले ही कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में फारस के सुल्तान नादिर शाह का हमला मुगल बर्दाश्त नहीं कर पाए और 24 फरवरी 1739 को करनाल में युद्ध हुआ। एक तरफ थी नादिर शाह की छोटी परंतु मजबूत सेना और दूसरी तरफ अय्याश शासक की बड़ी फौज। लेकिन कहते हैं कि नादिर शाह का हमला इतना जोरदार था कि मोहम्मद शाह रंगीला महज 3 घंटे में ही हार गया। हमला करने का कारण भले ही जो भी रहा हो, लेकिन उसने मुगलों की सत्ता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि मुगलों की हार का बड़ा कारण था रंगीला के दो सरदारों का आपस में नहीं बनना। इधर मुगल अंदरूनी कलह में फंसे रहे, उधर नादिर शाह ने बड़ी आसानी से जीत हासिल की। नादिर शाह जीत चुका था, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला घुटनों पर था। रंगीला ने अपनी जान बख्शने के बदले नादिर शाह को 50 लाख रुपए और कुछ उपहार देने को कहा। नादिर शाह भी मान गया, लेकिन कहते हैं कि जिन 2 मुगल सरदारों की वजह से मुगलों की हार हुई, उन्हीं में से एक सरदार सादत खान ने नादिर शाह को भड़काया और दिल्ली आने के लिए कहा, क्योंकि इससे पहले नादिर शाह करनाल में ही युद्ध जीता था और वहीं ठहरा हुआ था। लेकिन सादत खान के बुलावे पर नादिर शाह ने इशारा समझा। कहते हैं कि दिल्ली आने पर नादिर शाह शालीमार बाग में ठहरा और यहां से लाल किले तक जाने के लिए नादिर शाह के सिपाहियों ने एक पहरा तैयार किया, जिसके बीच नादिर शाह लाल किला पहुंचा। 24 फरवरी को युद्ध हुआ था और 20 मार्च को नादिर शाह ने दिल्ली में मार्च किया। जो रकम पहले 50 लाख रुपए तय की गई थी, वो बढ़कर 50 करोड़ पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल्ली में कत्लेआम की एक अलग कहानी इतिहास को दे दी। कहा जाता है कि इस दौरान मरने वालों की संख्या तकरीबन 1 लाख के पास है। बहरहाल ये सब देख मुगल शासक रंगीला ने लोगों की जान की भीख मांगी, जिसके बदले नादिर शाह ने 50 करोड़ रुपयों की जगह 100 करोड़ रुपयों की मांग की। और मांग मुगलों ने पूरी की तो सही, लेकिन अपने ही लोगों से लूट कर। इतिहास में दर्ज है कि नादिर शाह को इतनी रकम दी गई जो मुगलों की आने वाली 8 पीढ़ियों की संपत्ति थी। इतनी धन दौलत लेकर जाना भी आसान नहीं था। भारत से ईरान तक इस खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट, 12000 घोड़ों के जरिए अलग अलग गाड़ियों से पहुंचाया गया। इसी खजाने में शामिल था तख्त ताऊस, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था जो ब्रिटेन की महारानी के पास है। और इस तरह लूट के इरादे से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ नादिर शाह इतिहास को बदलकर 16 मई 1739 को भारत से चला गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।